हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तो बहुत सारे टॉपिक हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि स्टार्टिंग का कुछ वीडियो नहीं है वो मैं डाल। जीवन का प्रति क्षण संघर्षों से भरा है। जीवन का प्रति क्षण संघर्षों से भरा है, हर पल नई नई चुनौतियों से घिरा है। जीवन एक साधना है, एक तपस्या है, जीतता वही है जिसने इनका सामना किया है। हताश मन को जीतना ही संघर्ष है, हताश मन को जीतना ही संघर्ष है, निराशा में आशा का भाव जगाना ही संघर्ष है। आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूं। इसके बाद सीधे मैं आता हूं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने जो सिंपल वे में जो कंसेप्ट दिया है, बड़ी बेहतरीन तरीके से दिया है। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने कहा कि भैया, जो हमारा कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वही एटम कहलाता है। किसने कहा? डाल्टन साहब ने कहा। डाल्टन साहब जो लॉ ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के आधार पे डाल्टन की जो थ्योरी है वो बनी है। इनके कुछ जो मेन पॉइंट है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया, ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट है, एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक मास बट इज स्ट्रक्चरलेस। एटम्स आर इन destructible, that is they can neither be created nor be destroyed। जो ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़े ये सारा टॉपिक। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो ये है आपका, क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें देखिए कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हमने क्या तैयार किया है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज वेयर कॉल्ड क्या है, नेगाट्रॉन्स बाय थॉमसन, नेगाट्रॉन्स बाय थॉमसन। द मेन नेगाट्रॉन माय चेंज टू इलेक्ट्रॉन बाय स्टोरी। पहले नाम नेगाट्रॉन दिया है थॉमसन के द्वारा, और उसी नाम को चेंज करके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, एस्टोनी के द्वारा। इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द रेज हैव सेम स्पेसिफिक चार्ज व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड यूज्ड। इट पॉइंट्स आउट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। याद कीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने यहां पर अभी देखा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए है, वी क्या है इसमें, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाले जाते, ठीक है। इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट द पार्टिकल्स फॉर्मिंग रेज हैव ई बाई एम वैल्यू दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस
taken in the discharge tube. That is, positive particles are different in different gases. Therefore, the mass of the proton can be calculated. देखो अब इसके बाद वाले टॉपिक में आपको क्लियर और समझ में आएगा. यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ हमने बताया, ठीक है, कि क्या होता है, थोड़ा बहुत डाल्टन कंसेप्ट और थोड़ा उसके पहले के कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ गोल्डन की पॉइंट्स. ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे अगले पॉइंट के.